एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें कोण एक्स दिया है 62 डिग्री, कोण एक्स बाई जेड ये 54 दिया हुआ है। हमें कोण ओ जेड बाई, ओ जेड बाई एक तो ये ज्ञात करना है, कोण बाई ओ जेड एक ये ज्ञात करना है, और ये जो कोण है इसका आधा है कोण ओ बाई जेड एक बटे दो कोण एक्स बाई जेड, कोण ओ बाई जेड एक बटे दो कोण एक्स बाई जेड। तो हम कोण ओ बाई जेड इस एंगल को निकाल सकते हैं, तो कोण ओ बाई जेड की वैल्यू होगी 1/2 × 54, इसको डिवाइड कर देंगे, एंगल ओ बाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री, ये हमको 27 डिग्री मालूम पड़ गया। अब इसी प्रकार इसको निकालेंगे, फिर ये भी याद करना है, तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड ये 62 ये 54 ये ज्ञात कर सकते हैं, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड इक्वल टू 180 होगा। हमें एक्स की वैल्यू दी है 62, वाई की वैल्यू 54, हम जेड की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, एक से 16 हो गया है, 180, तो कोण जेड इक्वल टू 180 माइनस 160, एंगल जेड इक्वल टू 64। अब ये 64 आ गया पूरा एंगल, कोण ओ जेड बाई 1/2 एक्स जेड बाई इसी प्रकार से, एंगल ओ जेड बाई 1/2 एंगल एक्स जेड बाई इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ओ जेड बाई 1/2 इसकी वैल्यू 64 हम ज्ञात कर चुके हैं, एंगल ओ जेड बाई इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब ये 32 हमारा ज्ञात हो गया। अब ट्राइंगल ओ बाई जेड में, ओ बाई जेड में इसके तीनों एंगल 180 के होंगे, एंगल ओ बाई जेड प्लस ओ जेड बाई प्लस बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, ओ बाई जेड इसकी वैल्यू हमारे पास 27, ओ जेड बाई की 32, हमें बाई ओ जेड की वैल्यू क्या करनी है 59, दोनों प्लस कर दिए, एंगल बाई ओ जेड 180, एंगल बाई ओ जेड 180 माइनस की 59, तो एंगल बाई ओ जेड इक्वल टू 121। इस प्रकार से एंगल बाई ओ जेड एक तो ज्ञात करना था हमको, ये आ गया 121, और एक ओ जेड वाई ये आ गया हमारा 32। देख सकते हैं एक बार पुनः, ये 62 ये 54, 62 प्लस 54 दोनों प्लस कर दिए, 6, 5, 11 116, 180 में से 116 घटा करके 64 बचे, 6, 4, 10, 6, 7, 8, 64 डिवाइड कर दिया टू 32 आ जाते हैं। अब इस ट्राइंगल में निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 95 ये 40, इस एंगल को ज्ञात करना है, तो हम ट्राइंगल पी आर टी में, पी आर टी में एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस पी टी आर इक्वल टू 180 होता है,
ये 95, ये 40 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180, ये 135 प्लस कोण थीटा इज इक्वल टू 180, एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ये थीटा ये आ जाएगा 45 डिग्री, माइनस कर देंगे ये 45 आएगा, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल QTS, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल QTS, ये हमारे सी साउथ कोण है सम्मुख, तो ये 45 है थीटा, तो एंगल QTS ये हमारा 45 आ गया QTS। अब इस ट्राइंगल में इसी प्रकार से करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 होंगे, 180 में से दोनों प्लस करके और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार करेंगे ट्राइंगल QTS में एंगल Q प्लस S प्लस QTS इक्वल टू 180, एंगल Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एंगल इसकी 75 इसकी 45 इक्वल टू 180, एंगल Q प्लस दोनों प्लस कर देंगे 120 इक्वल टू 180, एंगल Q 180 माइनस 120, एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे 60। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चन को। थैंक यू।